तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा। चेतावनी देने का समय अब बीत गया, अब मुझे जो करना है वो करूंगी मैं। ले चलो इन्हें, ले चलो, ले चलो महाराज के समक्ष। अद्भुत आनंद आता है मुझे कोमलांगी स्त्रियों को सताने में। चलो महाराज के समक्ष शीश झुकाओ। हमारे शीश तन से विलग हो सकते हैं, किंतु इस दुष्ट असुर के समक्ष कभी नहीं झुक सकते। बस शांत बुढ़िया शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को अपना स्वर उठाने की अनुमति नहीं। जगाओ मत मेरा आदेश, शीघ्र मानो मेरा आदेश, झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। कदापि नहीं। नहीं, छोड़ो। मारो इन्हें। कुछ जैसा पाप और प्रदान करो। मारो। क्यों? रुको दुष्टों। मारो इन्हें। छोड़ दो अबे। और दंड दो। यह धर्म है। रुको, एक और कुविचार आया है मेरे मन में। ऐसा कष्ट दूंगा तुम्हें जिसे सह नहीं सकोगे तुम। चूक जाएगा तुम्हारा साहस, हो जाओगे विवश झुकने में मेरे समक्ष। सैनिकों, ये बालक सर्वथा निर्दोष है, इन्हें कष्ट मत पहुंचाना दोष। अपने बालकों को पीड़ा पाते नहीं देख पाएंगे ये, अब इन्हें मेरे समक्ष झुकना ही होगा। छोड़ो, छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें, छोड़ दो, छोड़ दो। रुको, क्या हुआ? शांत कैसे पड़ गए प्रभु भक्तों? अब मुझसे विद्रोह के बोल शेष नहीं रहे तुम्हारे मुख में। चाहे हमें कितना भी प्रताड़ित कर लो महिषासुर, किंतु हम धर्म का मार्ग छोड़कर तुम जैसे असुर के समक्ष कभी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। मारो और मारो, मारो। ऐसे नहीं मानेंगे। एक उपाय और शेष है अभी। ओह, लक्ष्य साधो। मेरे सैनिकों के बाणों से फटेगा ये बुलबुला। यदि तुम अब भी नहीं स्वीकारोगे मेरी शरण, तो नीचे गिर के तुम्हारे बालकों का होगा मरण। अब भी नहीं मारोगे? चलाओ अपने बाण। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें बाल नहीं लगा, हम रक्षित हो गए, हम रक्षित हो गए। हम
तुम्हारे बाण लक्ष्य से दिशा विहीन कैसे हो गए? किसने किया ये? मैं इसे अपनी शक्ति से नीचे गिराता हूँ। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इसे। संकट के मेघ ऋषि पुत्रों पे छाए, ऐसी घड़ी में गजानन बचाए। चिक्षुर महिषासुर दोनों अचंभित, बालकों को देख कुशल ऋषिगण भी पुलकित। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। वो बालकों, तुम लोग अभी भी हमारे बंदी हो। वो मायावी बालक फिर आ गया यहाँ। ये महाराज किसे देख कर भयभीत हो रहे हैं? महिषासुर, शीघ्र माँ के धैर्य का बांध अवश्य टूटेगा। आप इन ऋषियों, उनकी स्त्रियों और बालकों को जितना सताएंगे, उतने ही शीघ्र माँ के क्रोध का प्रकोप आप पर बरसेगा। जब किसी का अंतर कुटिलता से इतना भर जाता है, तो उसे स्वतः अपने विनाश के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है महिषासुर। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारा बहुत भयंकर अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इन सभी को काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इन्हें, और ध्यान रहे कोई भी बच के भाग ना सके। उन बालकों को भी बंदी बना लो, और विशेष रूप से उस दुष्ट बालक को भी ले जाओ। माँ, मैंने महिषासुर को अनेकों चेतावनी दी, किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पुत्र, चेतावनी देने का समय अब बीत गया है। अब मुझे जो करना है वो करूंगी मैं। गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु। ये क्या स्थान है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप यहाँ पहुँचे नहीं महिषासुर। आपको यहाँ पहुँचाया गया है। आपका काल आपको यहाँ लाया है। तुम यहाँ भी प्रस्तुत हो गए? मैं ही नहीं महिषासुर,
इस बार माँ शक्ति भी आपके प्राण हरने आई है। दुर्वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख वर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। दुर्वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख वर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। धनुष निरोषिणी दिविसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। महिषासुर अब सुरक्षित नहीं रहेंगे आप। माँ शक्ति के द्वारा आपका अंत निश्चित है। तुम अब भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ गंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। क्या है? प्रभु असुर गुरु शुक्राचार्य आपसे भेंट करने के लिए पधारे हैं। उचित है, जाओ 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 जाओ। क्यों देख रहा हूं मैं ये भयावने दो स्वप्न? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। ज्ञात है मुझे तुम्हारे द्वारा स्त्रियों का अपमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। गुरुदेव, अबला नारी किसी भी सम्मान की पात्र नहीं, और आपने ये व्यर्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो महिषासुर, तुम्हारे दुस्वप्न का कारण भी एक नारी ही है। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, अन्यथा वो तुम्हारा वध कर देंगी। वो शक्ति ही नारी नहीं, स्वयं महाशक्ति है। गुरुदेव, क्षमा मांगू मैं? क्या आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि मैं कौन हूं? सभी का ईश महानतम महिष हूं मैं। तब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो, किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे, महाशक्ति आपका काल बनकर आ रही है। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो। विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा।
नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे, विवाह करूंगा उससे। स्वामी ऐसा नहीं, मत कीजिए, रुक जाइए। क्यों, ईर्ष्या से भर उठा है क्या तुम्हारा मन? क्योंकि एक नवीन पत्नी लाने का लिया है मैंने वचन। नहीं स्वामी, आपकी पत्नी आपकी सहभागिनी हूँ मैं, और इसी नाते बताना मेरा आपको कर्तव्य बनता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। ऐसा नर्क मत कीजिए स्वामी। सहभागिनी? एक अबला नारी मेरी सहभागिनी नहीं, मात्र मेरी सेविका हो सकती है। सेविका? स्वामी 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 रुक जाइए स्वामी, ऐसा नर्क मत कीजिए। देवी कात्यायनी स्वयं माता पार्वती की अवतार है, वो एक माता है, और एक पुत्र का अपनी माता को कुदृष्टि से देखना उचित नहीं। ऐसा नट मत कीजिए स्वामी। कितनी बार कहा है शांत रहकर मेरी सेवा मात्र करो, मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न मत करो। मूर्ख स्त्री, शांत रहकर मेरे आदेशों का पालन करना कब सीखोगी तुम? सैनिको जाओ, विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को, कहो उसे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुंदरी, ओम नमः शिवाय। राजभवनों की सुख सुविधाओं के योग्य अपने इस अपूर्व सौंदर्य और यौवन को इस एकांत में निरर्थक तपस्या करके क्यों गवा रही हो? ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका प्रस्ताव उसने सुना भी नहीं। मूर्ख स्त्री, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो शिव की तपस्या भी भूल जाओगी। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज ने तुम्हें अपनी पत्नी का सौभाग्य देने का निर्णय लिया है। देखा, विवाह का प्रस्ताव सुनते ही भंग कर दी इसने अपनी तपस्या। जाओ और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। युद्ध? एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करोगी तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कि कौन है हमारे महाराज? देवताओं को धूल चटाने वाले महानतम असुर सम्राट अजय, महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तुम? युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध, और तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा। सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, लौट जाओ। दुष्ट, तुम्हारे इस अपराध का दंड दूंगा तुम्हें। आ, 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 आ,
मूर्ख नारी, अपने इस कृत्य से अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है तुमने। महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर को इसका समाचार मिलते ही वे स्वयं आकर यहाँ तुम्हारा वध करेंगे। तुम हो ही क्या, मात्र एक अबला नारी हो। तब तो उसे ये समाचार प्राप्त होने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, हमारे सैनिक शीघ्र ही उस स्त्री की स्वीकृति लेकर आते ही होंगे। अधर्म का साथ देने वाले भी अधर्मी ही होते हैं और वो भी दंड के भागी होते हैं। तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें। सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है। युद्ध प्रारंभ कराओ। युद्ध तो नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी। कल रात से देखिए माँ की शक्ति और गणेश की चतुराई ने कैसे किया महिषासुर का संहार।